गुमला विधायक भूषण तिर्की के प्रयास से चैनपुर में अनुमंडल स्तरीय 50 बेड हॉस्पिटल के निर्माण की जानकारी मिलते ही क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 3 एकड़ में बनने वाले इस अस्पताल के बनने में 24 करोड़ की लागत आएगी, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सोमवार को गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव चैनपुरा अस्पताल निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही अनुमंडल स्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। ज्ञात हो कि चैनपुर अनुमंडल मुख्यालय में खपरैल भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। ये भवन जर्जर हो गया है और कभी भी ध्वस्त होकर गिर सकता है। यहाँ इलाज कराने आए मरीज से लेकर डॉक्टर नर्स सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है। अस्पताल की समस्या को देखते हुए गुमला के झामुमो विधायक भूषण तिर्की ने चैनपुर में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल बनवाने की मांग की थी। अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करने के लिए अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल होना जरूरी है, तो इस हेतु विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है और वी आर लुकिंग इनटू ऑप्शन जो कि सबसे सूटेबल हो पब्लिक के दृष्टिकोण से। वी हैव ऑप्शंस जो हम बहुत दूर कर दें लेकिन जनता को बहुत सुविधा हो, ऐसे जगह हो जहाँ की एक्सेसिबिलिटी उनको अच्छा हो और उनको तुरंत सुविधा मिले, उस हिसाब से उस दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं कौन से मोस्ट सूटेबल प्लेस। अगर चैनपुर का प्रॉपर में अगर अनुमंडलीय अस्पताल बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे यहाँ के लोकल जनता को बहुत सुविधा होगी और दूर दराज से भी गांव वालों को भी यहाँ चैनपुर आकर अपना इलाज कराने में, समुचित इलाज कराने में बहुत ही सुविधा होगा। बाहर जाने की भी हो सकता है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैनपुर में अस्पताल बनने से इस क्षेत्र के लोगों में खुशी है। हमारे गुमला विधानसभा के विधायक माननीय भूषण तिर्की ने चैनपुर में अस्पताल बने इसके लिए उन्होंने विधानसभा में भी मांग रखी थी और उनकी मांग आज रंग लाई है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देता हूं, चूँकि यहां अस्पताल बनने से इस क्षेत्र के लोगों का भला होगा, चूँकि इस क्षेत्र के लोग गुमला रांची अपनी इलाज के लिए जाते हैं और अगर यहां अस्पताल बन जाए तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि होगी। ये हमारे इस क्षेत्र के लिए सौगात है। आपका नाम? सुशील दीपक मिल, जेएमएम जिला उपाध्यक्ष। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।